दौर चला गया है, दो देश खरीद रहे हैं, दो देश को बेच रहे हैं। मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं, अदानी और अंबानी देश को खरीद रहे हैं। लाए के खिलाए महिलाओं को मजबूर कर दिया रोड पे आने के लिए, ये मजबूर कर दिया ना, सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए, ना बंदा गाड़ी चला सकता है ना घर में गैस चला सकता। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए, खाद्य पदार्थों के दाम कम होने चाहिए, ताकि जो हमारी जनता है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका जो है दुखों का जो निवारण हो सके। फिर एक बार सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं, मैम कैसे देखती हैं, क्या क्या मांगे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये जो महिला है ना, अपना दुख जाहिर करने के लिए सड़कों पे उतरी हुई है, जो सोई सरकार है उसको जगाने के लिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है, क्योंकि ये अपना रसोई गैस चलाती है, रसोई अपनी वो चलाती हैं। दालों के दाम देख लीजिए, कपड़ों पे, जूतों पे GST कौन लगाता है, उन पे GST लगा दिया है। और कुछ रह गया है मोदी सरकार के लिए तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सत्ता में क्या कर रही है। सत्ता में वो एक नारा लेके आए थे कि सबका विकास होगा, कौन सा विकास आपको दिख रहा है यहाँ पे? सिर्फ विकास उनके दो दोस्तों अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। हमारी आम जनता है, हमारी जो गरीब जनता, हमारी जो महिलाएं हैं, वो त्रस्त है, परेशान है, रोजगार नहीं है। आप देख रहे हैं रोज कोविड की सिचुएशन में कितने लोगों की मौत गई है, मौतें हुई हैं। आज परिवार अपने अपने उस दुख से उभर नहीं पाए हैं, और वहाँ पे जब सिचुएशन ऐसी है कि जब कोविड की सिचुएशन में लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो जो सत्ता में सरकार है उसका दायित्व ये बनता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए, खाद्य पदार्थों के दाम कम होने चाहिए, ताकि जो हमारी जनता है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका जो है दुखों का जो निवारण हो सके। धन्यवाद। नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किन किन चीजों से लड़ेगी? अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी, जो ये कूटनीति सरकार की है उसके खिलाफ लड़ेगी, रोज जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ेगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नारा नहीं, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। लड़की हो लड़ सकती हूँ। ये नारा है, ये पोस्टर है जिस पर आप देख सकते हैं, महंगाई के खिलाफ संसद घेराव, 38 नवम्बर है, उसी को लेकर संसद चलो का नारा दिया गया है। मैम कहाँ से आई हैं? मैं कमलानगर से, डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौकी, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जी, मैं महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके चक्कर में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, महंगाई के चक्कर में। जैसे स्मृति ईरानी ने पहले गले में जो है सब्जियाँ डाली थी, और आप भी, आप चौधरी हूँ जी, मैं सरोज चौधरी हूँ, महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा से, और महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूँ। हम स्मृति ईरानी नहीं है, सरोज चौधरी है, कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। आज ये माला इसलिए डाली है क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर जा चुकी है। मोदी जी ने हमारा रसोई का बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ दिया है। क्या कहते थे कि 15-15 लाख देंगे, 15-15 लाख तो बहुत दूर रहे, 15-15 पैसे भी नहीं आए। आज हम एक एक सिलेंडर के लिए बड़े मोहताज हो रहे हैं, घर की बिल्कुल रसोई डमाडोल हो गई है। महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, आज चाहे हम अंदर करो चाहे बाहर करो, कुछ भी करो, लेकिन हम इस सरकार को गिरा कर रहेंगे, और हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ से आई मैम? मैं गुड़गांव से प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ। महंगाई जब रोज स्मृति रानी चूड़ियाँ फोड़ती थी महंगाई के खिलाफ, अब तो पेट्रोल 70 पार चला गया है, दो देश खरीद रहे हैं, दो देश को बेच रहे हैं। मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं, अदानी और अंबानी देश को खरीद रहे हैं। तेल 200 पार गया, हमारी रसोई का बजट बिगाड़ दिया, सब्जी का दाम किलो का नहीं बताते, पाया का दाम बताता है दुकानदार, हमारा सब चौपट कर दिया है। जमींदार इतने तरह इतना कोरोना काल में मर रहा है, मौत हो गई है लोगों की, फिर भी और महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। क्या सरकार को शर्म नहीं आती इस बात पे कि लोग कोरोना से अभी बेरोजगार कितना हो? प्रधानमंत्री जी रसोई की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, और आज महिलाएं सड़कों पर हैं, और वही प्याज और आलू और सारी सब्जी लेकर गले में हैं, और साथ में गैस के दाम जो बढ़े हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री के? मेरी बात सुनिए, ये मोदी जी और ये केजरीवाल जी, ये महिलाएं के खिलाए महिलाओं को मजबूर कर दिया रोड पे आने के लिए, ये मजबूर कर दिया ना, सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए, ना बंदा गाड़ी चला सकता है ना घर में गैस चला सकता, मजबूर होकर
लेडीजों को मजबूर कर दिया उन्होंने रोड पे आने के लिए काम में। कहते रहे बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जिनके बच्चे कमा रहे, जगह जगह पे उन्होंने ठेके खुलवा दिए, वो अपना घर भर रहे हैं, इन लोगों को क्या देख रहे हैं? महिलाओं को कोई कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि हमारी महिलाएं घर घर चलाती हैं, उनको पता है उनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं उनके, वो घर में कैसा खर्चा चलाएगी? ना सिलेंडर भी नहीं है उनके घर में, खाने के लिए भी नहीं रहा, बेरोजगार लोग है, वो क्या कर सकते हैं बताइए आप? मोदी जी क्या कर सके? कुछ नहीं कर सकते, वो अपना घर भर रहे हैं, उनके ना कोई रोने धोने वाला ना कुछ है, अब क्या करें? बच्चे पैदा हुए हैं, उनको मजबूरी एक टाइम खिलाना पड़ता है, एक टाइम खाना भी पड़ता है, नहीं भी खिला रहे हैं, लेकिन क्या करें? मोदी जी ने इतना मजबूर कर दिया, ये महिलाएं लोड पे आई है, ये मोदी जी ने अपनी कहता सुरक्षित है। महंगाई की जब बात आती है तो बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट याद आता है, जब डीजल और पेट्रोल को लेकर उन्होंने बात कही थी 30-35 रुपए, आज वो कहते हैं कि देश हित में, देश के ही लोग हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? देश में ही तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर महंगाई देश में जा रहा है तो काम भी तो बेरोजगार लोग है, काम भी तो बेरोजगार है, ये बताइए ना आप, लोग भी तो बेरोजगार है, काम भी तो होना चाहिए उसके पीछे, काम भी तो होना चाहिए। लोग पहले सरकारी नौकरी करते थे, बेरोजगार हो गए, ट्रेनें नहीं चल रही है, जो प्राइवेट लोग कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए, अब कमाएगा क्या बंदा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, ये बताइए ना आप, क्या कमाएगा ये बात जी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चांदनी चौक महिला कांग्रेस से हूँ। ये जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है ये महंगाई के मुद्दे पर किया है। मोदी जी कहते थे कि मैं गरीबी दूर करूंगा, आप बताइए आप कौन सी गरीबी दूर कर रहे हैं? मोदी जी गरीब को मार रहे हैं, जो गरीब मजदूरी करके अपना तेल सस्ता था, जब आज 210 रुपए से ऊपर सरसों का तेल है, वो क्या सब्जी बनाएगा? पेट्रोल डीजल है, हर रोज पैसा बढ़ा रहे हैं। गैस कांग्रेस के राज में मेरे को याद है 50 रुपए में भरा हुआ सिलेंडर मिलता था, 4.5 के करीब सिलेंडर हुआ, उसके बाद एकदम इन्होंने 1000 के से ऊपर सिलेंडर जा रहा है। महिलाओं का बजट बिगड़ गया, जब महिलाओं का बजट बिगड़ गया तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगी और क्या सब्जी बनाएंगी? सब्जी का आज रेट देखिए 100 रुपए से ऊपर टमाटर जा रहा है, प्याज जा रहा है 60 से ऊपर, हर सब्जी महंगी है। जो सब्जी आप 15 रुपए किलो में ले लेते थे आज वो 15 रुपए 20 रुपए पाव मिल रही है। अगर किसी के घर में 4 मेंबर है तो एक पाव में तो सब्जी गुजारा नहीं होगा ना। दूध का रेट प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रतिदिन डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, आप बताइए कहाँ है मोदी जी? हम सड़कों पर इसी तरह उतरते रहेंगे, चाहे ये हमें अंदर जेल में डाले। मोदी और केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं, केजरीवाल आज चुप है, क्यों चुप है केजरीवाल? क्योंकि ये मिले हुए हैं, हर वार्ड में ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, घर घर राशन की जो कह रहे थे उस राशन पे रोक लगाई, शराब पे क्यों नहीं मोदी जी ने रोक लगवाई? क्यों नहीं लगवाई मोदी जी ने रोक? ये दोनों मिले हुए हैं, चंद अपने लोगों को मोदी जी खुश करने के चक्कर में, अंडानी अम्बानी इन लोगों को खुश करने के चक्कर में जनता को मार रहे हैं, जनता पिस रही है और बुरी तरीके से पिस रही है।